बात करते हैं अजय प्रसाद सिंह से। सर आप ये बताएं, आपके क्षेत्र में हमें सूचना मिली है सेवला में ध्रुव चंद नाम के कोई कंट्रोल है वहाँ पर, वो कंट्रोल धारक जिनके पूरे राशन कार्ड उनको भी राशन काट के दे रहा है। ऐसा है कि एक बार मुझे सूचना मिली थी तो मैंने जाकर के जांच की थी, कुछ लोगों के बयान भी लिए थे, वो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। फिर भी उनको निर्देश कर दिया गया है कि भविष्य में इस तरह की कोई वार्ताएं ना आने सामने आए, क्योंकि वो रिपोर्टेड व्यक्ति हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि शिकायतकर्ता को कोई ना कोई बहाना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आपात श्रेणी में आ रहे हैं, अब वो अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, जब उनका आपातकाल का राशन कार्ड नहीं बनता है तो वो शिकायतों का सहारा लेते हैं। नहीं, जिनके बने हुए हैं उन्हें राशन, जिनके बने हुए हैं उनको पूरा दिया जा रहा है और भविष्य में पूरा ही दिलवाया जाएगा। एक नहीं, पूरे ताजगंज क्षेत्र में मैं देखता हूँ, मेरे पास ऐतमापुर का भी चार्ज है, दो जगह का चार्ज होने के कारण जहाँ जहाँ मुझे अनियमितताएं मिलती हैं वहाँ मैं कार्रवाई करता हूँ, जिससे आप पहले से भी अवगत हैं। आपके ताजगंज क्षेत्र में भी आपको बता दूं, जिनके यूनिट चार है और उनको दो यूनिट का राशन दिया जा रहा है। नहीं, उसमें कल की ही वारदात है। किस जगह की है मैं चेक करता हूँ। आपके अकील के कंट्रोल, अकील के कंट्रोल पे है। मैं इसको अभी चेक करता हूँ। और आप जो अभी जो आपने कहा कि तिलोक चंद वाली बात है, कहता हूँ आदमी राशन कार्ड दिखा रहा है अपना और अपना बाइट दे रहा है जिसका राशन कार्ड। अगर एक मिनट, अगर इस तरह का कोई बयान हो या कोई चीज हो तो मुझे दिलवाइए, मैं उस पर कार्रवाई करूँ। बिल्कुल, आपको बयान आप भी निश्चिंत रहिए कि हमारे कार्रवाई से कोई बचेगा नहीं। यदि वो दोषी है, दोषी नहीं है तो फिर बात है। इतने खुले उसमें और जो कंट्रोल कोटा धारक इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो क्या समझा जाएगा इनको? सबको निर्देशित कर दिया गया है, जिलाधिकारी महोदय ने भी किया है, DSO साहब ने भी किया है, हमने भी ग्रुप पर डाला है कि इसमें किसी प्रकार की निमित्ता क्षम्य नहीं होगी, और यदि कोई पाया जाता तो कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि आपने अभी पिछले दिनों देखा है। नहीं, वो तो देखा, जैसे मालूम पड़ा वो, नहीं नहीं वो अभी मालूम पड़ा कि उस तरीके से मान लो पार्टी में नहीं थे या कुछ भी हो इस तरीके, मालूम कोई पार्टी का आदमी अगर इस तरह करता तो छोड़ा जाएगा। नहीं, वो भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये जनहित पहले है और सब बाद में। जहाँ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सबको राशन मिलना चाहिए और उस कंडीशन में अगर इस तरीके की वारदात होती है तो ये तो बहुत गलत है। नहीं, इस टाइप की अगर कोई शिकायत मिलती कार्रवाई होगी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो निर्देश हैं उसका हम लोग 100% पालन करा रहे हैं और भविष्य में कराते भी रहेंगे। अभी निःशुल्क खाद्यान्न आया है जो 15 तारीख से उसका वितरण किया जाएगा, उनके भी और लोग कार्ड बनवा रहे हैं, उनके कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, ऐसा कोई कार्य रुका हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, लॉकडाउन के चलते भीड़ भाड़ से हम लोग दूर रह रहे हैं और जनता को शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मंथ में दो महीने बोल रहे हैं दो बार राशन मिलेगा, ऐसा कुछ है? जी हाँ, अभी अप्रैल वाला बढ़ चुका है, अब ये फ्री वाला आया है, ये फ्री वाला बटेगा, फिर एक तारीख से फिर जो है अगले महीने का बटेगा, फिर इसी तरीके से आएगा वो भी बटेगा। मुख्यमंत्री महोदय ने 3 महीने का किया है और 3 महीने तक बराबर जारी रहेगा ये। सेवला जाट पर जहाँ लोगों की समस्याओं को देखते नहीं बनता, जहाँ आप देख सकते हैं सभी लोगों ने राशन कार्ड के लिए 2 या 3 महीने पहले अप्लाई कर रखा था, किसी ने 6 महीने पहले अप्लाई कर रखा था, मान लोगों के राशन नहीं मिलने, और जिनके राशन बने हुए हैं और उसके बाद भी कोटा धारक इनको राशन नहीं दे रहा। क्या नाम है आपके कोटा धारक का? क्या कह देता है वो आपसे? अच्छा, ये फर्जी है तो उससे ये कहना आप कि ये फर्जी है तो इस पे फर्जी लिख के दे दो। लिख दिया, बोल दिया, आप सही निकल जाओ, सही निकल जाओ, तो आपने क्या आपकी क्या समस्या है? राशन कार्ड 40 साल मकान बनाए अभी और कैंसिल करा देता है, पैसा ले लेता है। कितने पैसे लेता है? हाँ, हम पति 1,000 रुपए ले चुका राशन कार्ड बनवाने। क्या नाम है आपका? क्या परेशानी है आपको? आपको परेशानी है, 12 किलो चक गेहूं देता है और 6 किलो चामर देता है, पूरा राशन कभी देता ही नहीं है। मतलब आपके 5 मेंबर हैं, मतलब तो आपको 15 किलो गेहूं मिलने चाहिए, वहाँ आपको 12 किलो देता है, और जहाँ आपको 10 किलो चावल मिलना चाहिए वहाँ आपको 6 किलो चावल देता है। क्या नाम है आपके राजा उसका, कोटा धारक का दुकानदार का? क्या नाम है? त्रिलोकी अग्रवाल। त्रिलोकी अग्रवाल, तो आपने उनसे नहीं कहा कि इतना क्यों देते हैं? एक बार कहिए नहीं, वो इतना ही मिलेगा। इतना ही मिलेगा, मतलब राशन कार्ड में सारे नाम होते हुए भी आपको पूरा राशन नहीं मिला? छह का मेरा, 5 का है, 6 का है, पर 1 का नहीं चढ़ा है उसमें, 5 का भी नहीं दे रहा है। ठीक, इनका ये राशन कार्ड है जहाँ पर इनके 4 मेंबरों का नाम है, और 4 मेंबरों के नाम होने के बाद भी कोटा धारक इनको राशन नहीं दे रहा है, जहाँ सिर्फ एक पिंकी का नाम
कटा हुआ है और तीन लोगों का नाम है, लेकिन सिर्फ एक आदमी का राशन दे रहा है, इससे ये लोग काफी परेशान है। आप बताएं क्या कहता है कोटा का? हम यही कहते हैं कि हमें राशन नहीं मिल रहा है, चार जनों का मेंबर का नाम है, हमें तीन जने का मिलता है, एक जने का दे रहे हैं, सब तीन का, तीन का मिलना चाहिए तो एक का दे रहे हैं। हमने वो पर्ची देखी थी तो वो बोले आपको राशन मिल जाएगा, उन्होंने हमें कूपन दे दिया, हम कूपन दे दिया तो बोले आपके पास लेबर कार्ड है तो आपको फ्री मिलेगा। तो ठीक है, तो भैया हम सुबह के गए 12 बजे के, तो हम वहाँ 3 बजे हमारा नंबर आया, तो नंबर आया तो हम लाइन से वहाँ पहुँचे तो देख के बोला आपका तो फर्जी है, क्यों चली आती हो बार बार पे, क्यों दिमाग खाती हो हमारा, जाओ वहाँ से। तो मैंने बोला था भैया जी लेबर कार्ड है, लेबर कार्ड की सुविधा मिल रही है, कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जाओ यहाँ से, क्यों इनको हाथ में लेकर खड़े हो, ऊपर दिखा दो, रेडी। क्या नाम है आपका? आदर्श कुमार। तो आपके घर में कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं। राशन दुकानदार का नाम क्या है आपके? राशन दुकानदार का नाम है आशीष कुमार। तो राशन आपका पूरा मिल गया? कहाँ पूरा मिलता है, हर समय काट लेता है, दो लोगों को, दो मेंबरों का आटा देता है, दो मेंबरों का राशन देता है केवल। आपको इतना कितना दिया है? 6 किलो गेहूँ दिए, 2 किलो चावल दिए, 36 रुपये में 12 किलो गेहूँ और 8 किलो चावल दिया करता था। कितने रुपये लिए आपसे? 30 रुपये। आप इसकी शिकायत नहीं करी आपने की थी? शिकायत यहाँ कौन सुनने वाला है, कोई नहीं आता है यहाँ पर, औरतों के साथ बदतमीजी करता है, गालियाँ गलौज करता है। क्या नाम है आपका? तो राशन दुकानदार का नाम क्या है? आशीष। तो क्या परेशानी है, राशन मिल गया आपको पूरा? राशन नहीं मिला है, इसने 6 किलो गेहूँ दिए और 2 किलो चावल दिए, सुबह से यहाँ लाइन में लगे हम लोग, बहुत परेशान है, कैसे मैं भी ये खा रहा है। कितने मेंबर है आपके? 4 लोग। 4 लोग हैं। तो कितने राशन मिला है? 6 लोगों का दिया है? 2 लोगों का दिया है, मियां बीवी को, बच्चों का कार्ड दिया है इसने। तो आपने कहा नहीं इससे? कहा तो उसने कहा इतना ही देंगे, लेना हो तो लो नहीं तो जाओ, और पैसे पूरे ले लिए। पैसे कितने लिए आपसे? 36 रुपये। कितने किलो चावल कितने के हो गए? 2 रुपये चावल और 3 रुपये किलो। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।